नमस्कार, मैं जिमी जोरदार फिर आ गया हूं आपके पास एक नए फ्रूट पपाया को लेकर। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ को सेहतमंद रखती है। सबसे पहली बात तो स्वादिष्ट बहुत होता है, खून वून भी बढ़ाता है भाई, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। जितने भी फ्रूट होते हैं ना, विटामिन सी का भंडार है। और विटामिन सी का काम होता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। पहले के जमाने में भाई ये थोड़ी ना साइंस आया था, साइंस ही तो बता रहा है ना अभी कि भैया फ्रूट खाओ ज्यादा, उसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सब, हार्ट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, पेट के लिए अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये 100-200 साल पहले थोड़ी था, जब तो ये फ्रूट ही थे। तो पहले भी लोग ये खाते थे, सीजनल फ्रूट खाते थे। तो मुद्दा ये है कि साइंस हो या ना हो, इनके बेनिफिट सदियों से चले आ रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग जो है वो ये है, वो ये बोलता है कि इसमें विटामिन सी है, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी अगर आप ये खाते हैं तो। दूसरी चीज, आपके पेट को हमेशा ये साफ रखेगा, कभी की कभी शिकायत नहीं होगी। और किसी को अबासीर बवासीर है तो भैया उसके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसके स्तर को मेंटेन करता है। विटामिन ए भी होता है इसके अंदर, तो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको ब्रेक नहीं होने देता है, तो उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया चीज है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है। तो कुल मिला के ये फ्रूट जो है वो आपको लेना ही चाहिए। और जो लोग थोड़े से हैवी वेट है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि भाई इससे वजन भी कम होता है। तो अगर आप ये, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है, तो अगर आप रोज थोड़ा सा पपीता खा रहे हैं ना भाई, तो मतलब आप यूं कह लो कि आपका वजन बढ़ने ही वाला नहीं है, आप फिट ही रहने वाले हो, आपका विटामिन सी भी बड़ा रहेगा और विटामिन ए भी बड़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, मतलब भाई हार्ट हेल्थ के लिए इसलिए बढ़िया है ना। आप फैट वैट जो लपेट लेते हो बाहर समोसे वमोसे, तो लपेट लो भैया, कोई बात नहीं है। अच्छा, पपीता कहता है कि भैया शाम को हमको भी लपेट लो थोड़ा सा, तो बैलेंस हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ना फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर का मतलब यह है कि आपके गट हेल्थ को बढ़िया रखना। और हम कह रहे हैं, और नहीं तो लिख कर ले लो, आप खाओ ये पपीता, फाइबर वाले फ्रूट खाना शुरू कर दो, आपको गैस वैस होती है ना, कब जब ये इनो उनो और ये जो पेलते हो ना, कभी मेथी खा लेंगे, ये खा, कुछ नहीं होता है। फ्रूट खाओ जिसमें विटामिन सी होता है। आप अनार खा लो, आप अमरूद खा लो, अमरूद सबसे बढ़िया फाइबर है, पपीता खा लो। भाई जब आप फ्रूट खाने लगोगे ना एक प्लेट सुबह, घंटा आपको गैस वैस कुछ नहीं होएगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ, बढ़िया चीज बता रहा हूँ। अरे हमको भी गैस वैस होती थी कभी, फ्रूट व्रूट अपना खाने शुरू किए तो भाई अब नहीं होती है, सिंपल सी चीज है, आप भी समझो, हम भी समझा रहे हैं, और क्या है। तो पपीता बहुत बढ़िया फ्रूट है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, गट हेल्थ हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वेट को लॉस करता है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। तो ये थे पपीते के एडवांटेजेस। तो हम तो खा रहे हैं भैया, आप भी खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, जब आपका मन करे खा लो यार, लेकिन खाओ जरूर। तो मैं जीवी जोर, भाई भूख लगी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फ्रूट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। अस्ताला विस्ताला, तकलियां, जीवी जोरदार।